नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे दौर से पहले पलटवार वार का दौर तेज हो गया है। वहीं औरैया के जनपद पहुंच सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, यह बदहाली को खुशहाली में बदलने का चुनाव है। समय समय पर युवाओं और किसानों को अपमानित होना पड़ा। इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिला। पिछले 5 साल में किसी को नौकरी नहीं मिली। यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद सियासी हलचलें काफी बढ़ गई हैं। पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई अपना दम खम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हरदोई की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक बालामऊ विधानसभा में मुकाबला बड़ा रोचक दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के हरैया गांव के लोगों से उनके चुनावी मुद्दे जाने और मौजूदा बीजेपी विधायक रामपाल वर्मा और बीएसपी के मजबूत दावेदार कहे जाने वाले तिलक चंद्र पासी को लेकर भी चर्चा की। इस समय लखनऊ से सटे जिला हरदोई में आए हुए बालामऊ विधानसभा हरैया गांव में, जहां पे जानते हैं जनता की राय 2022 में मुख्यमंत्री किसको बनाएगी। आइए कुछ हमारे साथ में ग्रामीण महिलाएं खड़ी हुई, उनसे बात करते हैं। अम्मा, ये बताइए सबसे पहले आपका क्या नाम है? भकाना। भकाना जी, ये बताइए 2022 में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? इस बार बनाए मायावती। मायावती को क्यों, योगी जी को क्यों नहीं बनाएंगी? नहीं नहीं, क्यों? योगी जी काम नहीं किया आपके विधानसभा में? काम का की नहीं, कुछ ही नहीं करते। आपके विधायक कौन है, मौजूदा विधायक कौन है? रामपाल। रामपाल, उन्होंने कोई विकास नहीं किया क्या आपके विधानसभा में? कुछ नहीं। क्यों, कोई ही सुनवाई ही नहीं? अरे घर घर सिलेंडर आप लोगों को दिया है। अरे सिलेंडर तो दिन सिलेंडर है, सिलेंडर का फाका जाए का? जब 1000 रुपए भराई किने पड़े हैं, लड़का के हमारा बच्चे भविष्य नाश किने पड़े हैं, तो सिलेंडर फाके में का करबा? तो अब क्या, मायावती बहन जी का बनाए तो बच्चा तो पढ़िए भला। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं 2022 में बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ, बदलाव लाना चाहते हैं। बच्चा तो पढ़ाए भला, ना हम पढ़े तुम्हारे बच्चे हैं पढ़ाए। क्यों, मौजूदा जो विधायक रामपाल वर्मा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया क्या? वो कहा कि जपर पर पेट भर रहे हैं, काम का हो रहा है? नाली खड़न जा सब घर में बही रहे। अरे मनरेगा कार्ड बने 1000 रुपए, श्रम कार्ड बने 1000 रुपए। ना हमका कुछ नहीं मिला, हम ना जाए थे सबका गिरा की ख्यात कर पैसा हमारे पथरनों के पैसा नहीं आवा। अच्छा, ये बताइए दादी, आप ये बताइए रामपाल जी खा गए? औका रामपाल प्रधान खा गया, गांव के खा गए। प्रधान कौन है? प्रधान है मुर्रे मुर्रे। अच्छा मुर्रे जी, औका पैसा वो खा गए? और खा गए। आप लोगों को शौचालय तो दिया होगा? हाँ, शौचालय मिली है खाली, और का मिला है? और का मिला, पढ़ाई बच्चा छोटे छोटे है तो घर न पड़े है। आप लोगों को पेंशन तो मिलती होगी? नहीं, पेंशन इंसान कुछ नहीं मिलते। अरे योगी जी तो पेंशन दे रहे और पैसा घर घर भिजवा रहे 6000 रुपए। नहीं दिन है नहीं, कुछ नहीं देती है हमका सर। नहीं राशन तो मिलता है? अरे राशन मिलती है, राशन तो दुनिया का मिलती है, जिनका ध्यान है ख्यात है तिनका ध्यान मिलते। अच्छा, ये बताइए माँ, आप युवा भी हैं, 2022 में पढ़े लिखे भी लग रहे हो, 2022 में किसको चुन के लाएंगे इस बार? बहन कुमारी मायावती को चुन के लाएंगे हम। क्यों, अगर योगी जी ने, क्या दिक्कत है आपको? योगी में हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। अखिलेश यादव भी हैं? अखिलेश यादव से कोई भी लाभ नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता। तो आपके विधानसभा में जो मौजूदा विधायक रामपाल वर्मा जी, उनसे क्या दिक्कत आपको है? रामपाल वर्मा जब से विधायक हुए हैं वहाँ यहाँ पे झांकने तक नहीं आए हैं, किसी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं वो। तो मतलब जो नेता आते जो दावे करते हैं वो सब हवा हवाई दावे करते हैं? बिल्कुल। तो इस बार किसको आप वोट देंगे? हम हाथी विजय कुमार मेरा नाम है। विजय कुमार, अच्छा 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? बहन कुमारी मायावती जी को। और अखिलेश यादव भी हैं आपके सामने, युवा हैं, उनमें क्या दिक्कत है? योगी जी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, विकास किया है, घर घर शौचालय दिए हैं, घर घर सिलेंडर भिजवाए, अब उनसे क्या दिक्कत होगी? योगी जी विकास के नाम पे कुछ किया ही नहीं, योगी जी को भी सरकार चलाना पता ही नहीं कुछ, वो सिर्फ मंदिर में मस्जिद में लड़ाई करवा सकते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है सरकार चलाने के बारे में, उन्हें कुछ नहीं पता है। क्यों, आपके मौजूदा विधायक रामपाल वर्मा जी ने, उन्होंने क्या आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया क्या? कुछ नहीं, वो 35 साल से रहे हैं, ना यहाँ पे कोई रोड सही है, और 35 साल से यहाँ है ना कोई शिक्षा पे काम किया, ना कोई स्वास्थ्य पे काम किया है, सिवा भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ कोई काम नहीं है। आप क्या करते हैं इस टाइम? मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक हूँ। अच्छा, मैकेनिक। तो श्रम कार्ड तो बना होगा आपका? हाँ, श्रम कार्ड बना है। उसमें खाते में पैसा भी आया? पैसा नहीं आया है, श्रम कार्ड बना है, पैसा नहीं आया है। किसानों को तो 2000 रुपए दे रही है सरकार? किसानों को 2000 दे रही है, लेकिन जो ये अनाज है ये 3500। हाँ, क्या अम्मा क्या कह रहे हैं आप? तब अरे 2000 ना दो तो 1000 दो, पैसा खत्म ले लो।
तो आप 2000 रुपए नहीं आ रहा? नहीं है। और श्रम कार्ड बना आपका? हमारा नहीं बना। श्रम कार्ड बता रहा? नहीं बनाया। काय में झूठ काय बोल रहे? 1000 रुपए मिला? नहीं, हमरे से खत्म नहीं हो जाएगा। नहीं, राशन तो फ्री में मिला। राशन फ्री मिला तो राशन भी खाली फ्री मिल रहा है। राशन भी तो खाली फ्री मिल रहा है। गैस सिलेंडर दी नहीं, वो हम 1000-1500 की जब भराई दे तब वही भरी जा रहा है। तो गरीब आदमी कहाँ 1500 मंगाई पाई, तो कहाँ 1500 भैया भरा पाई, बताओ हम पंच कहाँ भरा पाई। अब क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? अब कहाँ चाहते हैं? बस मायावती के विजय बना दे। ये बताइए 2022 में इस बार किसको चुन के लाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक रामपाल वर्मा जी हैं, इन्होंने क्षेत्र में, इनका कहना मैंने विकास किया, काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। और आप लोगों क्या कहना, मतलब 2022 में जो चुनाव आ रहा, 23 तारीख को मतदान होना है, तो एक आपका वोट अमूल्य होता है। एक वोट से प्रधान बनता है, एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है, और इसी वोट से मुख्यमंत्री बनेगा। तो 2022 में किसको चुन के लाएंगे? तो मां रामपाल कत्ता की नहीं, खाली नल दे दी नहीं और कुछ ना, अपने क्षेत्र में की नहीं पानी दे दी, नल दी नहीं और कुछ ना की नहीं। अच्छा, है सरकार में मायावती की सरकार? हाँ, तो क्या क्या कहना चाह रहे भैया आप? मायावती सरकार में यहाँ नलदीर रहन जब ये मंत्री थे। अच्छा, और तब ते ही पूछो 10 साल के विधायक हैं, कुछ दिन है कोई के यहाँ? नहीं, तो विधायक तो आप ही ने बनाया ना? विधायक हम पंच नहीं बना रहे, वहाँ नहीं दे रहा, वहाँ नहीं दे रहा। अच्छा, आपने वोट नहीं दिया था जनता? आप लोगों ने वोट नहीं, विधायक बन गए वो? आप ही लोगों ने तो बनाया है। जनता हमारे लिए अलावा और तो है। तो 2022 में आप लोग बदलाव करोगे? 2022 में आपका अपने विधानसभा से विधायक बदल देंगे? बिल्कुल बदलेंगे। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं जनता का मूड बदल चुका 2022 में। जनता बदलाव चाहती है। कैमरामैन सनी के साथ वीरेंद्र कुमार, प्राइम टीवी हरदोई। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। वहीं अगर बात यूपी की करें तो यहां 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अन्य चरणों की तैयारियां लगातार चलती नजर आ रही है। साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जनसंपर्क कर प्रत्याशी अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच प्राइम टीवी की टीम ने लखनऊ पूर्वी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आलोक सिंह से खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टियां पूरे दमखम लगाकर सत्ता में आने के लिए हर एक भरसक प्रयास कर रही है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जो लखनऊ पूर्व से प्रत्याशी हैं आलोक सिंह जी, उनके वो हमारे बीच हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ पूर्वी में क्या समस्याएं हैं और क्या चीज़ों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और कहां तक उनकी जनता बात को सुन रही है, समझ रही है। तो आलोक जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है? देखिए, जनता सब समझ रही है, उन्हें ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो टैक्स का पैसा है उसका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, सरकार को कैसे करना चाहिए। वो दिल्ली देख रहे हैं और दिल्ली से कंपेयर करके वो सारी बातें समझ रहे हैं कि वहाँ पे अच्छे सरकारी स्कूल हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक है जगह जगह, और तमाम और तरह की सुविधाएं हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चाहे रहीम नगर हो, अकबर नगर हो, लवकुश नगर हो, और काफ़ी हिस्सा जो कमता के पीछे है, सुरेंद्र नगर, मुलायम नगर, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी तक सीवर लाइन भी नहीं पहुँची है। नालियाँ बजबजा रही हैं और लोग अभिशप्त हैं उनके साथ जीने के लिए, नालियों के साथ ही। ये हम जब गए तो हमने देखा कि नालियों में लैट्रिन तक बह रही थी, वहीं पे लोग बैठे हैं, लैट्रिन बह रही है, और लोग कह रहे हैं कि 5 साल से आशुतोष टंडन जी कभी यहाँ पे देखने भी नहीं आए। अच्छा, आप अभी समस्या की बात कर रहे थे कि नालियों में समस्या है, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं लखनऊ पूर्वी सीट पे आपको दिख रही है, जिसको अगर आप सत्ता में आते हैं तो उस पर काम करेंगे, इन चीज़ों को बताएं? देखिए, एक तो ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी समस्या है, जो मैं जगह जगह बोलता भी रहा हूँ कि कोई यहाँ पे बेटर प्लानिंग करके कोई काम नहीं किया गया। आप वही देखिए, आज पिछले 10 साल से पॉलिटेक्निक जैम की वही समस्या है, मुंशी पुलिया पे भी वही है, कमता की हालत आप देख ही रहे हैं, खुर्रम नगर चौराहा आप देख रहे हैं, आधे आधे घंटे लोगों को वेट करना पड़ता है। तो ये एक ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है, और उसके लिए बहुत पैसा आवंटित हुआ है लाइट्स लगाने के लिए, लेकिन लाइटें काम नहीं करती। कभी कभी सुनते हैं कि बिजली का बिल ही नहीं दिख गया इसलिए लाइट काम नहीं कर रही है। तो मेन समस्या भ्रष्टाचार की है, नीयत की है, इनकी नीयत नहीं है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट सबमिट किया गया और उससे ऐसे कई सारे निवेशक आए और यहाँ निवेश किए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट सबमिट खाली एक जुमले की तरह है, दिखाया जाता है इतना इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन आपने देखा होगा कभी भी वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। और इनकी क्या बात करें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे
में ही सारे इन्वेस्टर सबमिट होते हैं, जो आपने देखा होगा कि पिकअप से लेके जो इंदिरा गांधी बस स्टैंड के बीच में एक नाला बहता था, वो नाला भी मैंने चीफ जस्टिस को लेटर लिख के भरवाया है, क्योंकि मैंने उनको यही लेटर में लिखा कि एक तो आप इन्वेस्टर समिट यहाँ पे करवाया जाता है, हाई कोर्ट भी यहाँ बन गया है, आप लोग चाइना से जापान से ऊंची ऊंची बसों में लोगों को बुलाते हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे, वो जब यहाँ से गुजरते होंगे देखते हैं कि बीच में तो इनके सड़क में जो है ये नाला बह रहा है इतना गहरा, तो उन पर क्या वो होता होगा। ये बाकायदा रिकॉर्डेड है, मेरे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुझे लेटर भेज के वो किया और उसके बाद से उन्होंने उसको ढकवाया है, जो आपने देखा होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो केजरीवाल मॉडल कहा जाता है, उसकी बात कहाँ तक आप लोगों से कह रहे हैं और लोगों का क्या रुझान है उसके प्रति, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में? बिल्कुल, जैसे 25% बजट हमने बोला ही है, आप देख रहे हैं कि हम शिक्षा को बेहतर करने में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगाएंगे। लोग उस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बहुत ही बेहतर हो गए, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वहाँ पे जिस तरीके की पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम है, जो सरकारी स्कूल हैं, उसी तरीके का दिल्ली में भी स्टार्ट हुआ है। इसी साल बहुत सारे बच्चों ने जो है प्राइवेट से सरकारी में मूव किए हैं, उन्हें स्विच किया है उन्होंने, उसके बाद से वो मोहल्ला क्लिनिक की भी बात कर रहे हैं, तमाम वाईफाई जो है वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में, जब लोगों का वाईफाई वो हो जाता है, कभी कभी काम नहीं करता है, तब जो है दिल्ली सरकार का जो वाईफाई काम करता है उससे कनेक्ट करके वो करते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो आप विदेश में भी गए हैं, अमेरिका भी गए हैं और बीटेक एमटेक हैं, तो आपको क्या लगता है कि विदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ की चीज़ों को अगर उठा के यहाँ इम्प्लीमेंट की जाए तो वो चीज़ें कौन कौन सी होगी? देखिए, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे मौका मिल रहा है कि मैं जवाब दूँ उसका। जैसे अमेरिका को, मैं अमेरिका को ही लेता हूँ फिर से, अमेरिका को पूंजीवादी देश कहा जाता है, कैपिटलिस्ट कंट्री कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे शिक्षा A1 क्वालिटी की फ्री है, एक ये हो गया। दूसरा, वहाँ पे जो हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी फ्री हैं और बिल्कुल A1 क्वालिटी की हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सोशलिस्ट कंट्री तो कहा जाएगा तो अमेरिका को कहना चाहिए, जैसे हम पूंजीवादी कहते हैं। और तो ये दोनों चीज़ें ही हमें इम्प्लीमेंट करनी है, हर कंट्री यही करती है, क्योंकि यही हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगर हम, आपने देखा ही होगा, छोटा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो लाखों का बिल बन जाता है, और अब तो कोरोना के बाद हमने आप देख ही रहे हैं कि इतने प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं जगह जगह, जिसकी कि मतलब असंख्य। लखनऊ में मैंने जहाँ निकलता हूँ वहाँ देखता हूँ कि थोड़े दिन में एक और प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है। लोग लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आते हैं लखीमपुर से, तमाम जगह से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एम्बुलेंस भी चला रहे हैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग मदद करते हैं उनकी। कौन सा फाउंडेशन है और क्या काम करता है? सर्वेबे फाउंडेशन है, ये हम लोग तमाम क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि हमारा एक अंडर प्रिविलेज्ड वंचित वर्ग के बच्चों को के लिए एक स्कूल है हमारा, जिसको हम सबके लिए स्कूल कहते हैं, जो पिछले 5 साल से हम लोग रन कर रहे हैं, अब हम 2 बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं उसमें। उसके बाद से जो ये खुले बोरवेल में गिर के बच्चों की दुखद मिट्टी होती है, उस पर मैंने बहुत काम किया है, महोबा मैंने बहुत सारे बोरवेल बंद करवाए हैं, और ह्यूमन राइट्स में मेरी पिटीशन भी है, जिसका बहुत अच्छा ऑर्डर आया है अभी थोड़े महीने पहले ही, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए गए हैं बहुत सारे। उसके अलावा मैंने एक वाटर लीकेज ऑडिट और रिपेयर ड्राइव मैं चला रहा हूँ, जिसमें हम लोगों के घरों में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, उनके लीकेज जो होते हैं वो ठीक करते हैं, हमारी प्लम्बर की टीम है, वो निःशुल्क ठीक करती है, और हम उनको ये मैसेज भी देते हैं कि अगर एक बूंद भी पानी लीक हो रहा है तो एक दिन में 35 लीटर से 70 लीटर तक पानी जो है वो आता है। एक्चुअली हम बहुत पीछे हैं, आज के समय में मुद्दे जो हैं चुनाव के ये सारे होने चाहिए, लेकिन क्या बताया जाए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि मुद्दे ये नहीं हैं। आप देख रहे हैं सरोजनी नगर में, चिन्हट में जो भूजल स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन अब जब हम लोग जात धर्म और इसी पे वोट करते रहेंगे तो ये कौन सोचेगा, कोई समझने को तैयार नहीं है कि पानियाँ नदियों से, अब देखिए गोमती में ऑक्सीजन ही नहीं है, जब भी वो होता है तो पता चलता। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, और ये तो एक तरीके से जो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए। अभी तो ये गला काट जो है कंपटीशन टाइप का चल रहा है, जो ये पारंपरिक पार्टियां हैं इनमें एक दूसरे को चाहे मार दो काट दो, लेकिन किसी प्रकार से हमें जीतना है वो बंद होना चाहिए, और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये हो जाए। अगर लखनऊ पूर्वी की जनता को एक मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे?
देखिए लखनऊ पूर्वी की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी के कहने से टीवी में प्रचार के माध्यम से और बहुत सारा पैसा खर्च करके जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगर एक लहर टाइप का दिखाती हैं कि हम जीत रहे हैं उस पर आप वोट ना करें। आप उसका एग्जांपल सीधा सीधा मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि पिछली बार लोग कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बन जाएंगे या भाजपा का होगा तो हम बहुत अच्छा विकास होगा पूर्वी में, लेकिन उसका ये पारितोषिक मिला कि जो गोपाल जी टंडन हैं वो 5 साल क्षेत्र में आए ही नहीं, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि आप किसी और की लहर देख के आप, आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है, आपको अपना लोकल प्रतिनिधि अच्छा चाहिए। तो मेरे साथ थे आम आदमी पार्टी के पूर्वी के प्रत्याशी आलोक सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है तो हम तकनीकी शिक्षा चिकित्सा रोजगार और गलियों में जो गंदगियाँ हैं और स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है उसी के तर्ज पर हम काम करेंगे, और साथ ही साथ अगर जनता का समर्थन मिला तो एक अलग तरह की राजनीति पेश करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सूप प्राइम टीवी। विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो डोर टू डोर कैंपेन जारी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन से अधिग्रहित की गई बसों के कारण सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो में 2 से 3 घंटे का सफर तय करने वाले यात्री बस के इंतजार में 6 से 7 घंटे खड़े हुए हैं। वहीं बात की जाए बस में यात्रियों की क्षमता की तो वो भी संख्या से ज्यादा तस्वीर में देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि अभी COVID-19 खत्म नहीं हुआ है और यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है और जिम्मेदारों ने यात्रियों की समस्या खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला है। यात्रियों इस परेशानी को जानने के लिए हमारी टीम ने उनसे बात की है। मंजू जी, ये बताइए आप यहाँ पर बस अड्डे पे खड़े हैं, कितना समय हो गया आपको बस नहीं मिल रही? 2 घंटा हो गए। कहाँ जाना है आपको? रनसर। आपका? अनीता शर्मा है। 2 घंटे हो गए आपको बस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। कहाँ जाना? क्या कारण है बसों का जो नहीं मिल रही? क्या मालूम क्या कारण है ना भैया, जाना कहाँ है? खुर्जा जाना है मुझे। रायबरेली जनपद स्थित उचाहार विधानसभा में दिग्गज नेताओं के आने का दौर जारी है। बुधवार को उचाहार विधानसभा पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया, वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी का सफाया प्रदेश में कर देना है। साथ ही भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि रायबरेली जनपद के सभी 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह के जा रही हूँ कि NDA गठबंधन फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है और रायबरेली जनपद में भी हमारे प्रत्याशी जिस सीट से लड़ रहे हैं हर सीट पर हम शानदार तरीके से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, विधायक तो जनता बनाती है, किसी को बड़ा नेता जनता बनाने का काम करती है, और यदि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता बदल भी देती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 2 टेन्योर्स में जिस तरीके से इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है, यहाँ की जनता एक बार फिर से जो विकास का काम NDA की सरकार ने किया है तो अपने इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हमारे जो NDA के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में भारी मतदान करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उचाहार विधानसभा में प्रचंड बहुमत में जीत रही है। 1 लाख से ज्यादा मतों से उचाहार विधानसभा जीतेगी और इतिहास रचाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या था कि जितने भी विकास की चीजें थी, यहाँ पर 10 साल से समाजवादी पार्टी का गुंडा और क्रिमिनल टाइप का विधायक है जो जनता की जो है विकास के पैसों को जो है कुंडली मार के बैठ गया, भ्रष्टाचार किया और यहाँ पर जो है लोगों को विकास की बात तो छोड़िए दहशतगर्दी फैलाया। और मैं जनता के बीच में संवाद किया, जनता के साथ में जब मैं बीच में गया उनके इन सब दहशतगर्दी को जब उजागर करना शुरू किया और कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ ये समाजवादी पार्टी के गुंडे विधायक से लड़ने के लिए, माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग नौजवान सब साथ खड़े हो गए। इस विश्वास में कह रहा हूँ कि मैं 1 लाख वोटों से ज़्यादा अधिक से जीतने वाला हूँ।
श्रावस्ती में आगामी 27 फरवरी को होने वाले पांचवें चरण के विधानसभा चुनाव को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य भी अध्यक्षता में पुलिस बलों व मतदान केंद्रों, मतदान बूथों, पोलिंग पार्टी के साथ ड्यूटी के लिए रैंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट स्थित NIC में संपन्न हुआ। वहीं बांदा में संदिग्ध परिस्थिति में 70 वर्षीय महिला का शव मिला। मृतक महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, SOG सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या की आशंका को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मामला बबेरू कोतवाली अंतर्गत भदेहू गाँव का है। ये थाना बबेरू के भदेहू गांव में एक हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ एक महिला की डेड बॉडी है, उसके घर में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। यहाँ पर इस सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग, फील्ड यूनिट और यहाँ के SOG यूनिट, सभी लोग यहाँ मौके पर आ गए हैं। डॉग स्क्वाड भी है और प्राइमा फेसी उसके सर पे चोट की गई है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। आगे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। FIR लेके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फतेहपुर के विंदकी तहसील के रारी बुजुर्ग गांव में पटाखा फैक्ट्री में संदिग्ध अवस्था में आग लग गई। भीषण आग लगने से लगभग 50,000 का नुकसान हो गया। इस दौरान फैक्ट्री मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आग की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन देरी की वजह से फैक्ट्री मालिक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस पूरे मामले पर विंदकी 239 विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मी सागर पटेल ने मौजूदा सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रशासन को आग लगने को लेकर अवगत कराया गया, उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही यह रही कि एक घंटे की देरी से फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची। तब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था। एक घंटा हो गया करीब, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं है? नहीं, कोई सूचना। पुलिस कितनी देर में आई है? पुलिस तो ताबड़तोड़ आ गई है। अच्छा, फायर ब्रिगेड नहीं है? हाँ। अभी तक बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी वगैरह की? वो तो मैंने लग गई है बाहर से। हाँ, क्या कर रहा था? बाहर खाना खा रहे थे। अच्छा, तो पता नहीं चला कैसे लगी? हाँ। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत ही गया। कितना हो गया? 50,000 से, और 50,000 से कमाई नहीं आई। अच्छा, गाड़ी ऊपर से दब गए, वो तभी फाट गए। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस आ तो गए। नासिर शाह जी के यहाँ पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके वो झुलस गए। उन्होंने तुरंत प्रशासन को खबर किया, लेकिन प्रशासन की निरंकुशता की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक घंटे बाद पहुंची। तब तक वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। मैंने भी कई बार प्रयास किया, लेकिन प्रशासन जानबूझ करके अपनी गाड़ियों को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाए हुए है, यही मुझे जानकारी हुई। अब जबकि उनका प्रोग्राम कल है, अब इस सरकार में ये दिखाई देता है कि प्रशासन की जो मेन फोकस कहाँ पर है, आम जनता चाहे वो आग से मर जाए, झुलस जाए, वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं। और आज ही से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था फतेहपुर में लग गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस